Hezbollah confirmed on Saturday. Gewaltig. तारीख 28 सितंबर और लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित हेडक्वार्टर को 80 टन बम से हमला कर उड़ाना, आसमान से रॉकेटों की बरसात और अचानक बम से दहलने से बेरूत में हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला की मौत। जी हां, इजरायली सेना के भीषण हमले में पिछले 32 सालों से हिजबुल्ला का नेता रहा हसन नसरल्ला मारा गया। हिजबुल्ला के चीफ सैयद हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद तेहरान में हड़कंप मच गया है। इस घटना के बाद ईरान के सर्वोच्च लीडर अली खामिनाई को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही दूसरी ओर हमास नेता यहया सिनवार भी गाजा पट्टी में ही खुद को रिलोकेट कर लिया है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत के बाद से ही सवाल उठने लगा था कि हिजबुल्ला आतंकी संगठन का आका कौन बनेगा। हसन नसरल्ला के मारे जाने के बाद से ही उसके चचेरे भाई हाशिम सफीदीन का नाम चर्चा में था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। हसन नसरल्ला की मौत के बाद हिजबुल्ला ने उनके चचेरे भाई को नया चीफ बनाया है, जो शिया समुदाय का धर्मगुरु और हिजबुल्ला का सीनियर मेंबर भी है। आपको बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी दो बड़े संघर्षों ने पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया है। इसराइल एक साथ हिजबुल्ला और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर शांति नहीं स्थापित हुई तो अन्य देश भी इस संघर्ष में उलझ सकते हैं, और यह संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ला सकता है। हाशिम सफीदीन का जन्म 1964 में दक्षिणी लेबनान के दीर कानून एन नहार में हुआ था। हाशिम सफीदीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्ला का सीनियर नेता है। हिजबुल्ला के लड़ाकों में हाशिम को नसरल्ला का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। सफीदीन की गिनती नसरल्ला और नईम कासिम के साथ हिजबुल्ला के टॉप थ्री नेताओं में होती थी। हाशिम हिजबुल्ला के राजनीतिक मामलों की देखरेख करता है और समूह की जिहाद परिषद का सदस्य है। इसराइल की ओर से बेरूत में किए गए एयर स्ट्राइक में हसन नसरल्ला की मौत के बाद इजरायली मीडिया में यह भी कहा जा रहा है कि जिस वक्त नसरल्ला पर हमला हुआ उस वक्त हाशिम सफीदीन भी नसरल्ला के साथ मौजूद थे, लेकिन किस्मत से वो जिंदा बच गए। हाशिम हमेशा से इजरायल, अमेरिका और उसके मित्र देशों के खिलाफ बोलता रहा है। खास तौर पर फिलिस्तीन के मामले को लेकर उसने कई बार भड़काऊ भाषण भी दिया है। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने 2017 में उसे आतंकवादी घोषित किया था, क्योंकि उसने इसराइल के खिलाफ एक बड़ा युद्ध तब शुरू किया था जब इसराइल ने हिजबुल्ला के एक सीनियर कमांडर को मार डाला था। तब हाशिम ने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने पर मजबूर कर दो। हाशिम ईरानी सैन्य जनरल रहे कासिम सुलेमानी की बेटी जैनब सुलेमानी का ससुर है, इसलिए उसका ईरानी शासन से भी संबंध है। 2020 में हाशिम के बेटे रिदा ने कासिम सुलेमानी की बेटी से शादी की थी। हालांकि कासिम सुलेमानी उसी साल बगदाद में हुए एक अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए थे। सफीदीन का कदकाठी अपने चचेरे भाई नसरल्ला से मिलता जुलता है। 1964 में दक्षिणी लेबनान के डेर कानून अल नहर में जन्मे सफीदीन को 1990 के दशक से नसरल्ला का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया था। जिस वक्त नसरल्ला ने हिजबुल्ला के चीफ का पद संभाला, उसके दो साल बाद ही सफीदीन को बेरूत वापस बुला लिया गया था। आपको बता दें कि नसरल्ला ने 32 साल तक हिजबुल्ला संगठन को चलाया। बताया जा रहा है कि पिछले 42 सालों में हिजबुल्ला ने कभी ऐसी स्थिति नहीं देखी जब उसके सभी कमांडर मारे गए हों। बता दें कि इजरायली सेना ने बीते शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित हेडक्वार्टर को 80 टन बम से हमला करके उड़ा दिया, जिसमें हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्ला समेत उसकी बेटी जैनब की भी मौत हो गई।
नसरल्ला की मौत का दावा इजरायली सेना ने शनिवार को ही कर दिया था। उसी के कुछ ही घंटे बाद लेबनान के हथियारबंद शिया संगठन हिजबुल्ला ने भी अपने नेता हसन नसरल्ला की मौत की पुष्टि की।